पसंद आया। दरवाजे बंदी बंद कर रहा है, गेट बंद कर रहा है। रुके 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 नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पहुँचे हैं। यहाँ पे एक गांव है अमोकपुर, यहाँ पे एक बैंक है। चोरों ने डाका डालने के लिए बैंक में आए, लेकिन बैंक में इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी कि वे चोरी नहीं कर पाए, और जाते जाते दो बाइक यहाँ से लूट के लेके चले गए। मैं आपको बता दूँ कि इसी मकान में यही दरवाज़ा है और इसी गेट पे फिलहाल ये एंगल लगा हुआ है। ये एंगल में इसके पहले एंगल नहीं लगा हुआ था, अब सुरक्षा की दृष्टि से अब एंगल लग चुका है। इसी एंगल से वो डाक कराए थे, चोर अंदर एंट्री किए थे। पहले चोर ने दरवाज़ा खोला था गेट, फिर उसने आया था। आप देख सकते हैं कि मकान के सामने कई सारे रूम बने हुए हैं, सभी रूम के आगे से कुंडी लगा दिए, दरवाज़ा बंद कर दिए, ताकि किसी तरह से कोई बाहर आके उन्हें ना पकड़े। निंजा टेक्निक इसे कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि निंजा टेक्निक के जरिए चोरी तो कर लेंगे, लेकिन आपकी आपके खुद की आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आखिरकार चोरी हुआ कैसे। उस तरीके से इन्होंने चोरी की है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि देखिए ये पार्किंग है। इस बैंक का आगे सामने देख सकते हैं क्या बैंक लिखा है, SBS बैंक। इसी बैंक में डाका डालने के लिए चोर आए थे। चोरों की संख्या 5 थी, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं एक पार्किंग है, पार्किंग से दो बाइक चोरी करके ले गए हैं, जिसमें एक अपाची गाड़ी था, एक पैशन गाड़ी था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी बाइक चोरी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक मैनेजर भी यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ सर, पहले बताइए कि आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सर संतोष कुमार यादव। अच्छा, संतोष कुमार यादव जी। सर बताइए कि आपके बैंक का क्या नाम है और आप बैंक में किस पोस्ट पे हैं? हमारे बैंक का नाम है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, हम उसके ब्रांच मैनेजर हैं। अच्छा, ब्रांच मैनेजर। देखिए मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद है। गाड़ी आपकी चोरी थी ना, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। इधर देखिए आप जी। विजय कुमार मेरा नाम। आप अपने गाड़ी का नंबर बताइए। UP 67 AB 46 63। घटना कब की है? घटना बुधवार को रात को है। बुधवार की रात को है। तारीख बताइए। तारीख 22 तारीख को, मतलब 23 तारीख पड़ गया मतलब। अच्छा, 22 तारीख को रात में चोरी हुए थे। एक गाड़ी और चोरी हुआ था, राम आशीष कुमार पत्नी के नाम की गाड़ी थी। उनकी पत्नी का नाम ज्योति है। उनके गाड़ी का नंबर है UP 67 S 4569। फिलहाल यहाँ के मकान मालिक ने अथक प्रयास किया, अपने तरफ से प्रयास किया कि हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमारे मकान में रहते हैं, उनकी बाइक मिल जाए। यहाँ के जो है कि मकान मालिक ने कोशिश किया है, थाने पर जाके बराबर बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आगे की प्रोसेस क्या हुआ है थाने पर? थाने पर फायर कराया सर, एफ आई आर कभी अभी कुछ नहीं मिली है मुझे। अच्छा। बोला गया, आश्वासन दिया मतलब गाड़ी मिल जाएगी, कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑन द स्पॉट काम करती है, लेकिन आज दो दो गाड़ी का चोरी हुआ है। बैंक में डाका डालने के इरादे से आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का प्रशासन कार्रवाई नहीं किया, यहाँ तक कि FIR भी दर्ज नहीं है। आपको कोई रिसीविंग मिला है? नहीं सर, रिसीविंग नहीं मिला। कितने दिन हुआ? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हुआ। देखिए एक हफ्ता में अभी तक लापरवाही बढ़ती जा रही है। फोन पर बात हुई चौकीदार से? जी अभी बात हुई है। क्या बोले? बोले कि अभी मतलब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला उसका, अभी हम देख रहे हैं उसको। देखिए एक पहली बात तो चोरी हो गई है गाड़ी, FIR भी नहीं दर्ज हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं कि निष्कर्ष नहीं निकला है। मोबाइल रख लीजिए। उसके बाद अभी तक किसी भी तरह का ठोस कार्य नहीं किया गया। आइए आपको ले चलते हैं ऊपर की तरफ। देखिए पार्किंग है, इसी रास्ते से इधर दिखाइए, इसी को क्रॉस करके आए थे। एक चोर एंट्री किया था अंदर, टोटल 5 लोगों की संख्या थी। फिर वे अंदर आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि सभी दरवाजों के आगे से लॉक कर दिए थे, ताकि वे किसी तरह से पकड़े ना जाए। इसके डर के वजह से सारी दरवाजे लॉक कर दिए थे, लेकिन CCTV कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चोर किस तरह से चोरी किए थे। इतना भयानक चोरी है, मैंने आज तक आप लोग शायद नहीं देखे होंगे कि कितना तरीके से आए थे, पकड़े ना जाए इसके लिए क्या क्या व्यवस्था किया है। मैं आइए आपको दिखाता हूँ कि ऊपर बैंक है, फिलहाल वे चोर अंदर 15 मिनट तक थे। यहाँ पे 15 मिनट तक थे, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए बैंक रुकने में। देखिए सामने SKS बैंक है, आइए आपको ले चलते हैं ऊपर। देखिए इसी रास्ते से गए थे,
और आइए आपको ले सकते हैं। देखिए देखिए, जब ऊपर आए पांच और ऊपर आए तो ऊपर आने के बाद यहाँ पे 15 मिनट तक थे। यहाँ पे कितने देर तक चोर थे? इधर आइए, मकान में चोर कितने देर तक उपस्थित? 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट। आपको कैसे पता कि 15 से 20 मिनट उपस्थित थे? ये कैमरे में दिखा रहा है, मतलब देखिए कैमरे में दिखा रहा है कि 15 से 20 मिनट चोर उपस्थित थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल लॉक लगाने की व्यवस्था है, शायद चोर इसे तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और इसी कारण से खोले भी हैं मास्टर चाबी से खोले भी हैं। अच्छा, सफार में मतलब कैश रखा, सफार को नहीं खोल पाए हैं, एक स्टाफ जागा, उसके वजह से मतलब सब नीचे चले गए हैं, बाइक लेके चले गए। अभी देखिए, मतलब कि इसमें से दो ताला तो बंद होता है कि बंद हुआ? देखिए एक ताला यहाँ पर लगा हुआ, ताला बंद था लेकिन इन्होंने चोरी करने का प्रयास किया लेकिन वो अंदर का लॉक नहीं खोल सके। जी नहीं खोल सके जी। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा? आगे प्रोसेस मतलब ताला खोले, उसमें अंदर गए, अंदर गए 1 मिनट उसमें थे, 1 मिनट से फिर बाहर निकले। अच्छा, बाहर निकलने के बाद फिर बाहर सबसे बाहर चले गए, वहाँ प्लानिंग किए, प्लानिंग करके फिर अंदर बाइक आए, दो बाइक डायरेक्ट मेरे बाइक पे हाथ धरे हैं। हाथ धरने के बाद मेरे बाइक लेके गए बाहर, 5 मिनट फिर आए हैं सर प्लानिंग करके, दूसरी बाइक ले गए पैशन प्रो। देखिए पहली उन्होंने चेक किया कि गाड़ी अपने लॉक किया था? गाड़ी सर लॉक नहीं किया। आप इसमें भी आपकी बहुत बड़ी गलती है जी। इन्होंने क्या किया कि पहले चोर यहाँ से जब 15 से 20 मिनट तक यहाँ मौजूद थे जी, यहाँ पे मौजूद थे, दरवाजा भी खोल चुके थे। इसके लिए देखिए अब दो ताला लगाने का व्यवस्था हो गया, एक कैश काउंटर है, यहाँ से बाकी लोगों को पैसा दिया जाता है, जो यहाँ पे पैसा लेने आते हैं लोन यहीं से दिया जाता है लोन का पैसा। यहाँ से 15 मिनट बाद वो लोग नीचे उतरने के बाद वे बाहर गए। बाहर से आने के बाद फिर दो गाड़ियाँ चोरी कर लेके गए हैं। फिलहाल अभी तक किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। आप बताइए, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? आप बताइए, आप क्या करने वाले हैं? अब सर देखिए, हमें बस चाहिए मतलब कि अभी हम गए थे वहाँ पे, दरोगा साहब से मिले थे, इंचार्ज से, चौकी इंचार्ज से मिले थे। अच्छा। बस आश्वासन दे रहे हैं मतलब क्या खोज में लगे हैं, जैसे भी मतलब मिलता है आपको मतलब सूचित कर दिया जाए। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई? ठोस कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अच्छा, कि मतलब आपको जब चोरी हुआ भाई तो कितनी देर बाद पता चला था? मुझे सुबह पता चला था। अच्छा, सुबह पता चला था चोरी? 12 बजे रात को हुई? 1 बजे 1:30 बजे बीच में हुई है, मगर सुबह मुझे 6 बजे पता चला। देखिए चोरी 1 बजे हुई है, इनको सुबह पता चला है कि बाइक चोरी हो गई। कब आप सोए थे तब पता चला या कि कोई बताया या आप जाके देखें? जब मैं उठ के मतलब फ्रेश होने जा रहा था जॉब पे जाने के लिए, तब मुझे पता चला, कोई बताया कि आपकी बाइक नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे विजय कुमार जी मौजूद हैं, इनकी अपाची गाड़ी चोरी हुई और राम आशीष कुमार की पैशन प्लस गाड़ी थी वो चोरी हुई। उनके पत्नी ज्योति के नाम से था, UP 6754 इनके गाड़ी का नंबर है। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, अभी ये लोग परेशान है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कितने बार आपने कॉल किया है? दो से तीन बार कॉल किए थे। अभी बस एक हफ्ते में दो तीन बार किए हैं? मतलब वो बोले मतलब जैसे ही मिलता है, और हमारे मकान मालिक भी मतलब 3-4 बार कॉल कर चुके हैं। इनके मकान मालिक लगातार कॉल कर रहे हैं, संपर्क बनाए रखे पुलिस प्रशासन से, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक FIR भी नहीं लिखी है, ना ही किसी तरह का ठोस कार्रवाई की है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितना सतर्क होती है। फिलहाल ऑन द स्पॉट फैसला लेने वाली पुलिस अभी भी लाचार है, अभी तक किसी भी तरह का काम नहीं किया। अब देखना है कि इनकी गाड़ी मिलती है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।